हेलो एवरीबॉडी, एचएसएससी ग्रुप डी की जो भर्ती थी 18,218 पदों वाली, एक साल से ऊपर हो चुका है। बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट का। लगभग 4 से 4,500 बच्चे इस वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं और इंतज़ार है कि कब ये वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी। अब दोस्तों, हरियाणा सरकार तो चाहती है, एचएसएससी तो चाहती है कि वेटिंग लिस्ट लगे, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रही है? क्यों आपको इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है और आगे भी आपको इंतज़ार क्यों करना पड़ेगा? इसकी वजह चेयरमैन साहब ने बताई है। एचएसएससी के जो चेयरमैन साहब हैं भारत भूषण भारती जी, उन्होंने एक बयान दिया है इस वेटिंग से रिलेटेड। तो यदि आप जानना चाहते हैं किस प्रकार की अपडेट आपके सामने आई है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी राजेश, स्वागत करता हूं इस वीडियो में और आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज टीवी देसी ताऊ पर। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? इस चैनल पर हर रोज़ आपके लिए एक या दो वीडियो जॉब या जॉब से जुड़ी जानकारी पर मैं लेके आता रहता हूं, जो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल ज़रूर होती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो। दोस्तों, यदि आप किसी भी जॉब के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए अपने ऐप पर KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर स्पेशल कॉम्बो ऑफर निकाल रखा है। मात्र 199 रुपये में आपको 20,000 क्वेश्चन मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, PDF भी मिलेगी, अपने ऐप में आपको डाउनलोड होने का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों, इसमें कंप्यूटर के भी क्वेश्चन हैं, साइंस के भी क्वेश्चन हैं, GS के भी क्वेश्चन हैं और HSSC के 40 मॉक टेस्ट दोस्तों, जिसमें सभी सब्जेक्ट इंक्लूड है। ऐसे सारा कंटेंट ऐसा है जो पहले एग्जाम में पूछा गया है, तो इस बार फिर आपसे एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। यदि आप आज रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो 10% का डिस्काउंट ऑफर आया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करने का, जाइए और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है, ये शेयर की है ईश्वर लोहचा भाई ने। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करेंगे आगे भी इसी प्रकार से सभी की सहायता, सभी की जो अपडेट हो आती है वो हमें शेयर करते रहेंगे ताकि आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को विभाग नहीं भेज रहे ग्रुप डी के रिक्त पदों की जानकारी। हाँ जी, क्या होता है, डिपार्टमेंटों को डिटेल भेजनी पड़ती है कि आप हमारे डिपार्टमेंट में इतनी सीट ऊपर से आई थी, इतने लोगों ने ज्वाइनिंग कर ली, इतने लोगों ने ज्वाइनिंग करके छोड़ दी, इतने लोगों ने रिजाइन लिख के पहले दे दिया था, अभी की क्या, इतने लोगों ने रिपोर्ट नहीं की। ये सारा डाटा HSSC को देना पड़ता है। HSSC फिर सारे डाटा को निष्कर्ष करके वेटिंग लिस्ट को जारी करती है। लेकिन यहाँ पे HSSC बताता है कि जो ग्रुप डी के रिक्त पदों की जानकारी विभाग नहीं दे रहे हैं। आपने देखा होगा, मैंने पता नहीं कितनी बार वीडियो बनाई कि आज फिर दोबारा से डिटेल मांगी है, स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, लेकिन क्या HSSC और सरकार के हाथ में इतनी भी पावर नहीं बची है कि वो डिपार्टमेंटों से जो चीज़ ज़रूरी है रोज़गारी के लिए वो चीज़ नहीं करवा रही है या कर नहीं रही है? तो यहाँ पे आप आगे देखिएगा, मुख्य सचिव ने ज्वाइन न करने वाले लोगों की उम्मीदवारी रद्द करने के लिए विभाग अध्यक्ष को जारी कर रखे निर्देश। यानी कि कुछ दिन का समय दिया गया था, उस समय के अंदर अंदर यदि कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाती है, ऐसा निर्देश मुख्य सचिव ने डिपार्टमेंट को दे रखा है। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें जो शिक्षा निदेशालय है उसमें 56 लोगों की लिस्ट आई थी, उनकी उम्मीदवारी रद्द की थी, उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की थी। विभागों की तरफ से जानकारी न मिलने से लटक रहा है ग्रुप डी वेटिंग का रिजल्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे जो चेयरमैन साहब हैं वो बताते हैं कि विभाग जब तक हमें जानकारी नहीं देगा तब तक हम ग्रुप डी वेटिंग का रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, पूरी न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगी। हरियाणा ग्रुप कर्मचारी चयन आयोग को ग्रुप डी के रिक्त पदों की जानकारी नहीं भेजी जा रही है। जब विभाग बोर्ड कॉरपोरेशन यह जानकारी आयोग को भेज देंगे, उसके बाद ग्रुप डी वेटिंग का रिजल्ट घोषित करेगा। मुख्य सचिव ने कई बार विभाग अध्यक्षों समेत संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रुप डी के चयनित जिन उम्मीदवारों ने ज्वाइन नहीं किया है उनकी उम्मीदवारी रद्द करें और उसकी जानकारी हरियाणा सरकार
या हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजे। मगर कुछ विभाग ऐसे हैं जो यह जानकारी आयोग को नहीं भेज रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार में कमी है, HSSC में कमी है या डिपार्टमेंटों में कमी है जो ये डाटा अभी तक इन पे कवर नहीं किया जा रहा है या इकट्ठा नहीं किया जा रहा है? आप कमेंट करके बताइए। पिछले दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि ग्रुप डी की वेटिंग का परिणाम तैयार हो रहा है, मगर मुख्य सचिव ने सभी विभाग अध्यक्षों से 13 जून तक ज्वाइन न करने वाले लोगों की उम्मीदवारी रद्द करने के आदेश दिए थे। अभी तक कुछ विभागों ने यह उम्मीदवारी रद्द नहीं की है। जब तक विभाग बोर्ड निगम यह जानकारी आयोग को नहीं देंगे, तब तक आयोग की तरफ से ग्रुप डी वेटिंग का परिणाम घोषित नहीं किया जा सकता। आपको पता चल गया आपका जो ग्रुप डी का वेटिंग का जो रिजल्ट है वो किस वजह से रुका हुआ है। ग्रुप डी वेटिंग परिणाम के इंतज़ार में 3-4 हज़ार उम्मीदवार इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जैसे ग्रुप डी की वेटिंग भर्ती परिणाम घोषित होगा उन्हें पक्की नौकरी मिल जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पे अब आप चेयरमैन साहब के ये सारी चेयरमैन की बात थी। ग्रुप डी के रिक्त पदों की जानकारी मिलने के बाद परिणाम घोषित होगा। आयोग ग्रुप डी वेटिंग का परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया में है, मगर जब तक आयोग को विभाग बोर्ड निगम की तरफ से रिक्त पदों की जानकारी नहीं मिलती तब तक यह परिणाम घोषित नहीं होगा। LDC चयनित उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग से संबंधित विषयों को बिजली निगमों के साथ डिस्कस किया गया है और निगमों को स्पष्ट जानकारी दे दी है। भारत भूषण भारती अध्यक्ष HSSC। ठीक है जी, तो आपका जो रिजल्ट है वेटिंग का वो सिर्फ डिपार्टमेंटों की वजह से रुका हुआ है। वे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो HSSC को डिटेल नहीं भेज रहे हैं कि कितनी सीट खाली है, कितने भर गए हैं, कितने ने रिजाइन दिया है, कितने छोड़कर चले गए हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिपोर्ट ही नहीं की है। ठीक है दोस्तों, इस वजह से आपका जो रिजल्ट रुका हुआ है, लेकिन ये आपका जो रिजल्ट है अगले महीने तक क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये एक अपडेट थी दोस्तों जो आपके साथ शेयर करनी थी। और दोस्तों HSSC के 115 पेपर जो अभी पीछे हुए हैं, 115 पेपर अपने ऐप पर डाले हुए हैं PDF के रूप में। 44 रुपये में आप इन्हें खरीद सकते हैं, स्पेशल ऑफ़र है। 115 पेपर 44 रुपये में। दोस्तों 250-250, 300-300 रुपये किताब आती है, जिसमें किसी में 20 पेपर होते हैं, किसी में 50 पेपर होते हैं, किसी में 100 पेपर होते हैं। हम आपको 115 पेपर दे रहे हैं मात्र 44 रुपये में, और सभी पेपर HSSC के प्रीवियस पेपर हैं। ठीक है, तो आप इस स्पेशल ऑफ़र का जो फ़ायदा है वो ज़रूर उठाएँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करने का। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना है। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।